गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम सोल। टुडे आई एम हियर विद अजियो हील्स, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छी भी है। लाइक मुझे सेल पे मिली थी और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिली थी और मुझे बहुत पसंद भी आई। तो चलते हैं, हील्स देखते हैं कैसी है। लेकिन इससे पहले आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको इस वीडियो को करना है लाइक। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जल्दी से देखते हैं। पहली हील है मेरी, ये बॉक्स कुछ ऐसा आया है इसका, बहुत ही खराब हालत में। हील की है, हील बहुत सुंदर है इसकी। ये है ब्रांड MFT कॉचर से, और इसकी हील का साइज है कुछ 3 to 4 inches, और ये मुझे बेज कलर में, इस क्रीम इन बेज कलर में रिसीव हुई है। इसका आगे से ना ये इस तरह से पॉइंटेड है। ये मैंने साइज मंगाया था 40, बट फिर भी मेरे पैर में नहीं आया। मे बी आगे से पॉइंटेड होने की वजह से मेरे पैर में नहीं आई है, और आप देख लीजिए क्या पता आपके पैर में आ जाए। और मुझे अराउंड कुछ प्राइस पड़ी, मुझे प्राइस नहीं याद आ रहा। एक काम, मैं इन सब हील्स के जो प्राइजेस हैं वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो जो भी प्राइस है इसका, आप इस पर अजियो पे जो सेल्स है ना वो आती जाती रहती हैं, तो क्या करिएगा कि अजियो पे ना थोड़ा देखते रहिएगा, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है प्राइस। और हील जनरली ये बहुत सुंदर है, तो अगर आपको लेनी हो तो इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। दूसरी हील है, ये हील तो मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत सुंदर इसका फ्रंट का लगा। ये इसका मैंने ये भी नहीं निकाला अब तक तो। और ये है ब्रांड कुछ क्यूपिड करके। इसकी हील बहुत बहुत, मतलब जिनकी हाइट अगर ज़्यादा नहीं है ना और उन्हें अपने लिए हील चाहिए, तो जी हील है ये, ब्लॉक हील है ये। पहनने में भी कंफर्टेबल होती है और चलने में भी कंफर्टेबल होती है, और हाइट तो एनहेंस करती ही करती है। तो जिनकी हाइट अगर कम हो तो वो हील प्रेफर कर सकते हैं। और ये फ्रंट से कुछ इस तरह से है, इसका लुक लिटरली बहुत सुंदर आता है, बहुत बहुत सुंदर आता है। इसके पीछे, इसके यहाँ पे आपको ये टक करने के लिए नॉट्स मिल जाते हैं, जो इसके अंदर से चटकनी की तरह बंद हो जाते हैं। और ये फ्रंट से कुछ इस तरह की है, ब्लैक कलर के स्ट्रेप्स वाली है, और ये बहुत सुंदर हील है, बहुत ज्यादा सुंदर। तो अगर आपको बाय करना हो तो प्लीज हैव अ लुक। बॉक्स में आई है, और ये ब्रांड है मोड। इसमें मैंने ब्लू कलर लिया था, और इसके साइड में ना इस तरह से जो ये शिमरी सा ही जा रहा है, बहुत सुंदर लगता है। इसकी हील की हाइट है कुछ 3 to 4 inches है, और इसमें मेरा साइज है 39, बट फिर भी मुझे नहीं आई है। मे बी शायद ये आगे से पॉइंटेड है इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही थी, या आई डोंट नो, बट हील बहुत सुंदर है, तो शायद आपके पैरों में आ जाए। Have a look with this heel. और इसके साइड में ना आपको नॉट करने के लिए, बांधने के लिए ना इस तरह से ये मिल जाता है, स्ट्रैप मिल जाती है, जिससे आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके टाई कर सकते हैं। हील बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आपको बाय करना हो तो प्लीज़ हैव अ लुक। हमारी नेक्स्ट हील और लास्ट हील है इस हॉल की, जो कि मुझे कुछ ऐसे रिसीव हुई है। अजीब वाले के ना डब्बे कुछ खास पैकेजिंग अच्छी नहीं लगती कभी कभी मुझे। कहीं कहीं तो पैकेजिंग अच्छी दे देते हैं, और कभी कभी तो बस यूं ही दे मारते हैं। तो भाई खैर, हमारी नेक्स्ट हील है ये, विच इज़ ब्रांड फ्रॉम अजियोलो। ये तो अजियो ब्रांड से ही है। ये हील जो है, इसके आगे ये आपको इस तरह से कैसे बोलते हैं उसको,
नॉट किया हुआ इस तरह से मिलता है, और आपको यहाँ बांधने के लिए भी मिल जाता है। ये हील कुछ बेज कलर में है, डार्क बेज कलर में है, और इसका साइज भी मेरा 40 है। एंड ये आपको प्लेटफॉर्म में मिलती है, और इसकी हील के साइज भी 3 to 4 inches ही है, और ये बहुत ही अच्छी हील लगी मुझे पैर में पहनने पे भी। सो यस, अगर आपको इसे बाय करना हो तो ले लीजिए बॉक्स में। अजियो से परचेज की हुई हील जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अजियो से मैंने क्या फर्स्ट टाइम शॉपिंग किया, मैंने पहले अजियो से कभी हील्स या कुछ भी नहीं मंगाया, तो मेरी अजियो से फर्स्ट टाइम शॉपिंग है। एंड मुझे लिटरली अजियो से जो हील्स मंगाई है ना, मुझे वो बहुत पसंद आई है। कोई क्वालिटी का इशू तो नहीं है इसके साथ में, बट थोड़ा सा है कि मुझे इसकी पैकेजिंग जो है थोड़ी सी और इम्प्रूव कर सकते थे तो। और सेकेंड थिंग की थोड़ा सा साइज का जो इशू रहा, छोटा बड़ा या मेरे साइज के हिसाब से कभी कोई सैंडल नहीं आया मुझे, बस थोड़े से ये है। अदरवाइज सैंडल्स बहुत अच्छी हैं, हील्स बहुत सुंदर हैं, और प्राइसिंग वाइज भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको ये बाय करनी हो तो प्लीज मस्ट गो ऑन अजियो, सेल्स के दौरान आप इसे बाय करें, क्योंकि सेल के टाइम पे क्या होता है ना, इनके प्राइजेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे ही देखिए आप सेल्स को चेकआउट करते रहें, जैसे ही देखिए कि सैंडल्स के हील्स के प्राइस बहुत अच्छे हो रखे हैं, फटाफट से क्या करना है, आपको एक टू कार्ट करना है और उनको बाय कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।